असलकुम वरम वर्क सवाल ये पूछा गया कि अल्लाह तबारक व ताली का फरमानेलीशान वमा खलतल जन्न वब्दूम यानी हमने जन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया और एक और मकाम पर इर्शाद फरमाया वाकद ज़रा जहन्न कसरम जन् व और बेश हमने जहनम के लिए बहुत से जिन्नात और इंसान पैदा किए तो एक मकाम पर फरमाया कि हमने उनको पैदा किया बंदगी के लिए और एक मक़ाम पर इर्शाद फरमाया कि हमने उनको पैदा किया जहन्म के लिए तो बज़ाहिर तारूज़ नज़र आ रहा है तो इस हवाले से गुज़ारिश ये है कि बााहिर ये तारुज़ हमारी अक्लो फाहम के अतबार से तो हो सकता है लेकिन माना मुरादी के अतबार से उसमें तारज़ नहीं है एक्चुअली जहाँ पर अल्लाह तबारक व ताली ने यह जिक्र फ़रमाया बमा ख़लन्ना वंसा अबूँ वहाँ पर जन्नों और इंसानों की तख्लीक का असल मकसद बयान किया गया है कि उनकी तख्लीक का जो असल मकसद है वह अल्लाह ताली की इबादत और बंदगी है और जहाँ पर यह फरमाया कि हमने उनमें से बहुत सो को जहनम के लिए पैदा किया तो इससे मुराद उन में से अक्सर का इंजाम जो है ना वो इस अंदाज़ में होगा कि वो जहन्नम में दाखिल होंगे बाफाज दिगर आप यूँ समझ लें बकतुलजन्ना वनसा अ लिया तो इस आयत के अंदर लिया के अंदर जो लाम है ये लाम तालील के लिए है यानी हमने इनको इबादत करने के लिए पैदा किया जबकि जो दूसरी आयत मुकदस है वाला जरान जहन्नम तो यहाँ पर जहन्नम के ऊपर जो लाम है तो ये लाम आकबत का है इंजाम के लिए है कि उनका जो इंजाम होगा तो वो मेजोरिटी का जहन्नम ठिकाना बनेगा और आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए यूँ कह सकते हैं कि जिन्हों और इंसानों तमाम की जो तख्लीक़ का मकसद है वो बंदगी ही है इबादत इलाही है लेकिन चूँकि कुछ उनमें से अपने मकसद को पूरा कर लेंगे वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे कुछ ऐसे होंगे जो अपने मकसद को बुरा नहीं कर पाएंगे वो में दाखिल हो जाएंगे तो लेकिन उनमें जो कसरत होगी जो कसीर तादाद में होंगे वो होंगे जो अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे तो पहले वाली आयत व माखल ज्जन्ना वालसबून के अंदर मकसद को बयान किया गया और दूसरी आयत वलाक़द जरा अन जहन्नम कसरम मना जिन्नी इंस के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने उनके मकसद को पूरा ना करने वाली सूरत हाल को बयान किया कि उनमें से मेजोरिटी अपने मकसद को पूरा नहीं करेगी लिहाजा वो जहन्नम में जाएंगे तो हम उनमें से अक्सर को जहन्नम में डाल देंगे हाजा मा मज़हर अली व रसूल हुआ आलम